अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मुझसे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं प्रेप वन के टेस्ट की तैयारी के लिए बताऊं, हेल्प करूं पेरेंट्स की। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका ये जवाब देना चाहती हूं कि आपने बच्चों को खुद तैयारी करवाएंगे तो मदर्स तो बहुत बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा और बच्चे के अंदर बहुत सी आप चेंजिंग देखेंगे जो आप चाहते हैं कि ट्यूशन या जो भी जहाँ से भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं वो करवाएं। तो आपने सिंपली बच्चे को मॉन्टेसरी लेवल पे, अगर वो नर्सरी में जो सबसे पहली क्लास होती है आपने वहाँ का टेस्ट दिलवाना है, किसी भी स्कूल का या स्पेशली कराची पब्लिक स्कूल का, फैल्कन हाउस स्कूल का और बहुत से और स्कूल्स हैं, ठीक है। तो आपने उनको फोनिक्स सारे सिखाने हैं नर्सरी लेवल पे या जो सबसे पहली क्लास होती है स्कूल में, ठीक है। अब चाहे वो नर्सरी हो चाहे मॉन्टेसरी हो और प्ले ग्रुप हो, प्ले ग्रुप में बच्चा कुछ भी प्ले ग्रुप का मतलब टेस्ट नहीं होता वहाँ पे, सिर्फ बच्चे को हम जस्ट फॉर कि सिटिंग आए, उसको बेबी सिटिंग हम कहते हैं, सिटिंग आए उसको किस तरह से उठना बैठना है, किस तरह से इंटरेक्ट करना है अपने साथियों के साथ या मिस के साथ, और वो मतलब स्कूल आने का उसको के घर से निकलकर उसने कहीं जाना है और अकेले वहाँ पे बैठ के अपने साथियों के साथ, वहाँ पेरेंट्स या घर का कोई भी मेंबर वहाँ पे उसके साथ नहीं हो, ये उसको हमने हैबिट पैदा करनी होती है, ठीक है। और उसी में हम खेल में उसको पेंसिल होल्डिंग ये सब सिखा देते हैं, सही। और उसके अलावा जो प्ले ग्रुप के अलावा जो सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड क्लास आती है, या तो वो नर्सरी आती है या मॉन्टेसरी आती है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप टेस्ट दिलवाना है इस क्लास के लिए तो आपके बच्चे को ट्रेसिंग आनी चाहिए, ठीक है। ए सारे फोनिक्स की ट्रेसिंग आनी चाहिए कि बच्चे को पेंसिल होल्डिंग आनी चाहिए और उसको सारी जितनी भी इंग्लिश में और काउंटिंग में मैथ्स में वन टू टिल उसको टेन तक ट्रेसिंग लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। और उर्दू में भी इसी तरह से उसको कुछ हरूफ हम अलिफ से तक जो बे पे ते टे से, ठीक है, वहाँ तक हम नर्सरी को उसमें मॉन्टेसरी या नर्सरी जो क्लास होती है उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं ट्रेसिंग करना, ठीक है। और उसके बाद जब प्रेप वन का या केजी वन का जो लेवल आ जाता है जिसकी एज ग्रुप होती है 4 ईयर्स या 4 ईयर्स के बाद, ठीक है, तो उस लेवल पे बच्चे को जो है आपके सारी चीज़ें सेल्फ राइटिंग आनी चाहिए कि वो सेल्फ राइटिंग कर सके, वो ख बना सके, वो सारे जितने भी साउंड्स हैं, ठीक है, उसको सेल्फ प्रिपेयर करना है आपने कि वो खुद से लिख सके, ठीक है। आप एक रफ पेपर ले लीजिए, कोई भी प्रिंटर पेपर ले लीजिए या कॉपी ले लीजिए, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में शेयर किए थे आइडियाज कि किस तरह से आपने बच्चे को लेकर चलना है कॉपी वर्क की तरफ लेकर आना है, तो किस तरह से आपने उसको रिकॉग्नाइज़ करवाना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस का मैं लिंक डाल दूँगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। लेकिन आपने जो सिर्फ और सिर्फ प्रेप वन के टेस्ट के लिए जो आपने तैयारी करवानी है कि बच्चों को सारे फोनिक्स आने चाहिए, पूरी अशकाल आनी चाहिए उर्दू में, ठीक है, और जो मैथ्स है उसमें बच्चे को लिखना आना चाहिए पूरा, 1 से लेकर 10 तक वो लिख सके खुद, ज़्यादा तो 1 से लेकर 10 तक जब उसको लिखना आ जाएगा तो ऑनवर्ड जो भी हमारी काउंटिंग आगे चलेगी तो वो उसको लिख सकता है। और उसको रिकग्नाइज़ ये ज़रूर होना चाहिए कि 50 तक उसको मालूम होना चाहिए कि 1 1 make 11, 1 1 1 2 make 12, इस तरह से आप उसको याद करवाएं, उसको लिख कर बताएं, एक पेपर पे आप पूरी काउंटिंग लिख लें खुद और ट्रेसिंग करवाएं उस बच्चे को 10 के बाद उन नंबर्स की ट्रेसिंग करवाएं ताकि उसको अगर लिखने की ज़रूरत भी पड़े तो उसको पता हो कि 11 किस तरह से बनता है, ठीक है। फिर 20 से अबव आप 21 उसको रिकग्नाइज़ करवाएं कि 21 22 23 इस तरह उसको 50 तक एटलीस्ट आप प्रिपेयर कर दें कि उसको काउंटिंग का पता हो कि 50 तक किस तरह से हमने लिखनी है, ठीक है। फिर वो जब उसको लिखना आ जाएगा, 0 बनाना आ जाएगा, 0 की फॉर्मेशन, 1 की फॉर्मेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट 8 की फॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो होती है। और प्लीज़ 8 को आप बच्चे को बिल्कुल सही लिखना सिखाइएगा, ऊपर एक सर्कल बना दिया, नीचे एक सर्कल बना दिया, ये वाला 8 नहीं सिखाइएगा, बच्चे को प्रॉपर 8 बनाना सिखाना है,
और प्रॉपर एग बनाने का बहुत इजी तरीका है, इस बनाइए आप और उसको ये लाइन ड्रॉ करवा दीजिए। तो इस तरह से ये एक तरीका है एग बनाने का। अब किसी और के पास इससे ज़्यादा अच्छा और तरीका हो तो उस तरह भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं, सही है। और उर्दू में मैंने आपको बता दिया, उर्दू में आपने प्रेप वन के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना है, सारी अशकाल उसको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो पेपर में या टेस्ट में आएगा आता है वो अलिफ से, जो से होता है ना, रे वाला से, जिसके रे बना के हम तीन नुक्ते ऊपर लगा देते हैं जिससे साला बारी आता है, वहाँ तक बच्चे को लिखना, खुद लिखना ज़रूर आना चाहिए। और उसके जो बात की वो है अलिफ बे पे, स्वाद हो गया, लाम हो गया, गाफ हो गया। अच्छा, गाफ काफ ये बहुत आसान होता है कि आपने बे बनाया, बे की जिस तरह आप शक्ल बनाते हैं पूरा बे बनाया, और आपने बच्चे को बता दिया कि बेटा हम नुक्ता नहीं लगाएंगे, अब क्या करेंगे, हम इसके साथ एक डंडी लगाएंगे। तो इस तरह बच्चा जो है बे और पे की तरह ही उसको बना के, और साथ ही साथ इसको भी सेल्फ राइटिंग आसानी से कर सकता है। तो और बाकी आपको ट्रेसिंग के ज़रिए सारी चीज़ें आपने इसको पता होनी चाहिए कि नून कैसे बनेगा। नून भी आप बे की तरह बनवा सकते हैं, बे में क्योंकि बीच की लाइन लंबी होती है, नून में आपने बच्चे को क्या करवाना है कि देखो बेटा इसकी शेप भी बनेगी ऐसी, लेकिन बीच की लाइन छोटी हो जाएगी और नुक्ता ऊपर चला जाएगा। तो ये भी नून का एक आसान तरीका है बच्चे को जल्दी से प्रिपेयर करने के लिए, कि अगर किसी के पास टाइम कम है तो वो इस तरह से बच्चे को से साला बारी से आगे कुछ वर्ड्स बच्चे को हम हेल्प के तौर पर उसको सिखा सकते हैं कि अगर उसको ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल कर सकता है, लिख सकता है। वरना ट्रेसिंग तो उसको आनी ही चाहिए, सारे हरूफ तहजी की जितनी भी पूरी अशकाल हैं। अच्छा, और काउंटिंग हो गई, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया कि अल्फ़ाबेट हा तक, जो फोनिक है ना हा, वहाँ तक उसको लिखना आना चाहिए, ए से लेकर हा तक, ठीक है। उसको सेल्फ राइटिंग करनी आनी चाहिए, और उसके बाद जितने भी फोनिक्स हैं, मा ना ख, खानिक का और जो भी क्वा हुआ, ये सारे जी तक उसको सारे रिकग्नाइज होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हमने इसकी ट्रेसिंग कैसे करनी है और माँ की शक्ल कैसी होती है, ना की शक्ल कैसी होती है, जी की शक्ल कैसी होती है, या योयो की शक्ल कैसी होती है, ये सब उसको पता होना चाहिए। क्योंकि पेपर में टीचर उससे मैचिंग के ज़रिए ये सारे साउंड्स जो है ना वो पूछती हैं, या फर्स्ट लेटर वर्ड भी प्रेप वन के बच्चे को ज़रूर आने चाहिए। जब आप टेस्ट दिलवाने ले जाएंगी, कोई भी चाहता है कि उसको उसका बच्चे का डायरेक्टली प्रेप वन में एडमिशन हो, उसको नर्सरी में ना जाना पड़े, तो आपको ये सारी चीज़ें करवानी है बच्चे को। कि ट्रेसिंग आपने नर्सरी के लिए अगर आपने तैयार करना है तो बच्चे को सारे हरूफ तहजी, सारे फोनिक्स, सारे नंबर्स यानी कि 10 तक उसको ट्रेसिंग करनी आनी चाहिए, उसको पेंसिल होल्डिंग आनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन किस तरह से बनेगी। माँ में हम नीचे हाथ लेके जाएंगे, इल में हम नीचे हाथ लेके जाएंगे, ख बनाना है तो कर्व करके बनाएंगे, सही है। और उसको ख से क्या आता है, इल से क्या आता है, ये सब आपने उसको खेल खेल में पढ़ा देना है। और प्रेप वन के लिए बच्चे को ए से हा तक, यानी कि स्मॉल ए और स्मॉल एच, यहाँ तक खुद लिखना आना चाहिए। उसके अलावा उसको सारी चीज़ों की, सारे फोनिक्स की फॉर्मेशन आनी चाहिए कि किस तरह से बनानी है। उर्दू का भी मैंने आपको गाइड कर दिया और मैथ का भी गाइड कर दिया। ये सारी चीज़ें जो है मिस मैच, और मैथ्स में बच्चे को काउंटिंग आनी चाहिए। काउंटिंग लिखना तो आपने 1 से लेकर 10 तक उसको सिखा दी सेल्फ राइटिंग, अब आप पिक्चर्स बना लें छोटी छोटी और उसको काउंट करवाएं और नंबर के साथ मैच करवाएं। अगर 3 लीव्स बनाए आपने तो बच्चे को ये होना चाहिए कि काउंट करना है 1, 2, 3 और फिर वो 3 के साथ मैच करवाए जाके, सही है। या काउंट करके वो लिख कर भी बताए कि 3 है तो 3 लीव्स हैं, तो हमने आगे डैश डाल दिया, 3 लिख कर उसने दिखा दिया कि हाँ भाई यहाँ 3 लीव्स हैं, या जो भी आप शेप्स बनवा के इस तरह से आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा जो एक मुखलिसाना जो मशवरा है सबके लिए कि प्लीज़ ट्यूशन के ऊपर रिलायबल होने के बजाय बच्चे को खुद अपने साथ अटैच कीजिए और बच्चे को खुद ये सब कुछ सिखाइए। बच्चा आपकी अभी नहीं सुनेगा तो बाद में भी वो कभी नहीं सुनेगा, वो बाहर वालों की ही सुनेगा। तो बराए मेहरबानी आप बच्चे को अपने साथ जितना उसका बॉन्ड मजबूत कर सकते हैं, यही उम्र होती है छोटे बच्चों की,
जो अपने साथ हम बच्चों को सारी ज़िंदगी के लिए बांध के रख सकते हैं। दिल से जब बच्चे की हमसे दिल मिला हुआ होगा तो बच्चा हमसे चाहे सारे बड़े होकर जितना भी दूर जाके रहे, लेकिन उसकी जो बॉन्डिंग है हमारे साथ, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम, वो कोई नहीं चेंज कर सकता। लेकिन अगर अभी आपने अपने बच्चों को अपने आप से दूर कर दिया, टीचर्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया, बाहर जाने आने में ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया, तो फिर आपकी मर्जी है। मेरा तो मशवरा यही है। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर किसी को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, कि एडमिशन के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, या बच्चों को वैसे ही कुछ आपको मसला आ रहा है कि किस तरह से हम इनको फॉर्मेशन बनाना सिखाएं इजी वे में, तो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, और आप मुझसे मैसेंजर पे इनबॉक्स करके मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।